गुना ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला गुना प्रद्युमन सिंह तोमर ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर फसल नुकसान का निरीक्षण किया। मंत्री जिला गुना प्रद्युमन तोमर ने विकासखंड राघोगढ़ के ग्राम रामनगर, नारायणपुरा, गोविंदपुरा सहित विभिन्न ग्रामों का दौरा कर ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों में हुए नुकसान का निरीक्षण किया। ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से प्रभावित हुए ग्रामों का दौरा करते हुए मंत्री श्री तोमर ने सर्व संबंधित को निर्देश दिए कि जिन कृषकों की फसल में नुकसान हुआ है उनका सर्व शीघ्र अति शीघ्र किया जाए। इस कार्य हेतु राजस्व एवं कृषि विभाग का दल गठित कर पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि तैयारी सूची ग्राम पंचायत की सूचना पटल सार्वजनिक की जावे। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी पात्र कृषक फसल मुआवजा से वंचित न रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे। निरीक्षण के दौरान पूर्व विधायक श्रीमती ममता मीणा, कलेक्टर फ्रेंक नोबले, अनुविभागीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह बघेल सहित राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। समस्या थी और सोयाबीन भई नहीं, हर तरह से किसान की मौत ही मौत। अब ईश्वर ने जो कर दो, इतनी ओलावृष्टि पहली बार देखी थी 55 साल में। वो तो लगभग ये मान लो पार्वती से पतो इन्हीं कहाँ तक गई है। मंत्री जी आ गए थे, कह तो रहे थे कि उनकी भाई देखभाली करो, अच्छी हवा के शासन का नियम वो कहा है कर नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं। ओलावृष्टि के कारण जिन इलाकों में फसल नष्ट हुई है उन इलाकों में अभी गोविंदपुरा गांव गया, यहां पे नारायणपुरा में यहां खड़ा हूं, और जिन जगहों पे ओले से फसल नष्ट हुई है उसका निरीक्षण किया है। और मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जहां फसलें 100% नष्ट हुई हैं उनका पूरा मुआवजा मिले, कोई मुआवजे से वंचित न रहे। यही हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह का सोच है, यही हमारे नेता माननीय श्रीमंत ज्योतिराजी सिंधिया जी का सोच है। सबसे पहला भी काम ओला पीड़ित क्षेत्र में जा रहा हूं, जहां लोगों की बात को सुन रहा हूं, उनके संकट के समय में हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।